बॉबी झा एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आमिर खान से लेकर अजय काजोल तक इन सेलिब्रिटी ने डाला वोट। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों की 72 संसदीय सीटों पर मतदान जारी है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों को 2014 के लोकसभा चुनाव में इन 72 में से 56 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। आज महाराष्ट्र की 17, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की 13 से 13, पश्चिम बंगाल की 8, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा की 6, बिहार की 5 और झारखंड की 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। आइए जानते हैं मुंबई में किस सेलिब्रिटी ने अब तक वोट डाले हैं। रणबीर कपूर से ज्यादा आलिया इस एक्टर को मानती है गुड लुकिंग, खास है कनेक्शन। करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म को पुनीत मल्होत्रा डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतरिया के बीच लव ट्रायंगल दिखाई जाएगा। वहीं इस फिल्म में एक स्टार और नजर आने वाले हैं, जो फैंस को अपनी तरफ खींच रहा है। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि तुम बिन टू एक्टर आदित्य सील है। आदित्य कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। इन दिनों वह अपने खास लुक के कारण खास चर्चा में है। हाल ही में उनकी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर छाई हुई है। ये तस्वीर कुछ दिनों पहले आदित्य ने रणबीर कपूर के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की। वायरल हो रही इस फोटो में वह रणबीर कपूर के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। पीएम मोदी की अक्सर क्लास लगाने वाले बॉलीवुड एक्टर ने कर दी कुछ यूं उनकी तारीफ। ट्वीट हुआ वायरल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान अक्सर जुबानी हमला करते रहते हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर नजारा कुछ और ही देखने को मिला है। कमाल ने पीएम मोदी की जगह विपक्ष पर निशाना साधा है और मोदी की जमकर तारीफ की है। कमाल का ट्वीट सोशल मीडिया पर छा गया है। उनके इस ट्वीट पर जमकर ट्विटर और लाइक की बरसात हो रही है। इसके जरिए लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कमाल खान ने हाल ही में ट्वीट करके लिखा है कि अब शरद पवार कर रहे हैं कि ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू और मायावती कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से बेहतर पीएम मोदी होंगे। यह क्लियर करता है कि प्रत्येक विपक्षी नेता पीएम बनने के लिए मरे जा रहे हैं। ऐसे में मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी को मतदान करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अभी भी इन सत्ता के लिए भूखे लोगों से अच्छे हैं। कमाल खान ने इस तरह विपक्षी नेताओं पर हमला बोला है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की खूब तारीफ की है। इसी को लेकर कमाल ने आजकल एक और ट्वीट किया है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।